चले, तो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में कितना, ओल्ड इनटू कितना 100, ये होता है परसेंटेज चेंज। सेकेंड चीज आपको डीआई में ये समझनी पड़ेगी कि जब भी आप एवरेजेस निकालने के लिए बहुत बार आपको, तो एवरेजेस का तो आपको पता ही है कि आपको सबको चाहे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एन प्लस एक्स फोर जो भी है, जितने भी टर्म्स है डिवाइड बाय कितना एन, तो बहुत बार आपको एवरेज निकालने के लिए बोलते हैं। सर परसेंटेज चेंज ही फॉर्मूला होता है बहुत बार, अगर आपसे पूछा हो ग्रोथ रेट कितनी हो रही है या ग्रोथ रेट कितना हुआ है। सर एक बात जानने की जरूरी है कि अगर हम बात करूं तो 10% को 1/10 बोलते हैं, 20% भैया मैं अगर आपको इसको ऐसे लेके चलूं कि 1/1 का मतलब, 1/1 का मतलब कितना होता है 100%, 1/2 का मतलब क्या होता है 50%, 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33%, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%, 1/5 का मतलब कितना होता है 20%, 1/6 का मतलब क्या होता है 16.67%, अगर मैं लेके चलूं तो 1/7 का मतलब क्या होता है 14.14%, 1/8 का मतलब क्या होता है 12.25%, 1/9 का मतलब क्या होता है 11.11%, 1/10 का मतलब कितना होता है 10%, 1/11 का मतलब होता है 9.09%, 1/12 का मतलब होता है 8.275% के आसपास, 8.33%, 8.33%। तो सर क्या यहाँ तक की चीजें याद होनी चाहिए? यस। एक और बात याद होनी चाहिए कि अगर आप देखोगे कि 2/3 कितना हो रहा है 66.66%, अच्छी बात है सर। लेकिन इसे यहाँ पे एक का डिफरेंस है, अगर मैं ऊपर एक ऐड कर दूंगा नीचे एक ऐड कर दूं 3/4, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा 75%। सर इसका मतलब अगर आप एक और ऐड कर देंगे तो 4/5 मतलब न्यूमरेटर में भी एक और, कितना हो जाएगा 80%। सर आप समझाना क्या चाहते हैं? देखो अगर आपसे कोई पूछे कि बहुत प्रैक्टिकली 5/6, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं आपके पास 83.33%, कि 2/3 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है कि 4/5 बड़ा है कि 5/6 बड़ा है, इसमें से कोई भी आपसे पूछे तो आपको बहुत बार लगता है कि सर तो ये भी 2/3 है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, इसमें भी एक का डिफरेंस है, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, क्या 17/18 बड़ा? तो एक बात ध्यान रखना, अगर ऊपर और नीचे का डिफरेंस क्या हो सेम, डिफरेंस क्या हो सेम, मतलब यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है, तो जो नंबर सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा, मतलब अगर आप 17/18 का परसेंटेज निकालने जाओगे तो वो 96 या 97 पॉइंट समथिंग। तो कोई आपसे पूछे कि 2/3 बड़ा है इस 17/18, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कितना 17/18। नेक्स्ट पार्ट, अगर आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई से भी ग्राफ के या लाइन डायग्राम के, तो पहली चीज मैं आपको बोलूंगा आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन, समझो एग्जाम्पल कोई ग्राफ गिवन है, और बहुत बार मल्टीपल बार डायग्राम गिवन होते हैं ऐसे, सर अगर आपको ऐसे बहुत बार मल्टीपल बार डायग्राम गिवन, या बहुत बार सब डिवाइडेड बार डायग्राम गिवन है, तो एक तरफ हो गया मल्टीपल और एक तरफ क्या हो गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम अगर आपको गिवन है, तो अगर मैं लेके चलूं तो इसका मतलब जब भी ध्यान रखना है इसको टेबल में कन्वर्ट करना, और टेबल इस फॉर्म में बनना चाहिए कि समझो अगर डाटा समझो ये 2010 का है, और ये कंपनी क्या है ए, ये कंपनी क्या है बी, ये ए बी, यहाँ बहुत बार हो सकता है ये सेल्स है और ये क्या है कॉस्ट, ये सेल्स है ये क्या है कॉस्ट, ये सेल्स है ये क्या है कॉस्ट, बहुत बार ये बोला जाता है ये रेवेन्यू है ये प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू है ये प्रॉफिट है, ऐसे आपको अच्छी दी थी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने ईयर ले ली 2010, 2011, 2012, ठीक है ना,
समझो, अगर ये सेल्स और कॉस्ट का है तो आपको यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे कॉस्ट, और उसके बाद हाथों हाथ प्रॉफिट भी निकाल कर रखे, क्योंकि क्या होता है जब आपसे ऐसा कोई डाटा देंगे आपको तो कहीं ना कहीं वो आपसे प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत बार इन सब चीजों की टोटल भी निकाल कर रखना, ऐसे वाली भी टोटल और यहाँ वाली भी टोटल। जैसे एग्जाम्पल, अगर कंपनी ए और बी का डाटा है, अगर इसी क्वेश्चन में मतलब बात करूं आपसे मैं कि कंपनी ए और बी का अगर बात करे तो डाटा है, तो कैसा चल रहा कंपनी ए और बी का डाटा कि सर दो हजार दस, दो हजार ग्यारह, दो हजार बारह, दो हजार तेरह, तो ए बी और यहाँ पे टोटल भी निकाल, ऐसी टोटल भी और ऐसी टोटल। बताऊ क्यों? कि समझो ये डाटा है आपको 20, 30, 50, 70, अगर बात करूं 30, 50, ऑफर यहाँ पे दिया हुआ है 50 और यहाँ पे 100, कुछ भी दिया हुआ है, तो आपको बहुत बार बोलेंगे 2010 में कितना परसेंटेज था ऑन द बेसिस ऑफ टोटल परसेंटेज। तो टोटल कितना है इसका, अगर बात करें तो शायद 150 शायद, isn't it? और यहाँ टोटल कितना है 250। तो बहुत बार आपको बोलेंगे कि 2010 में कितना प्रोपोर्शन निकला, यहाँ 2010 से में कितना परसेंटेज ऑफ सेल हुई थी, तो आपके पास यहाँ का टोटल भी होना चाहिए और आपके पास यहाँ का टोटल भी होना चाहिए। कि अगर बोलूं कि ए और बी टोटल कितनी थी 50, यहाँ पे 120, यहाँ पे 80, यहाँ पे कितना 150, तो सर बहुत बार क्या होता है यहाँ पे ए बी के साथ हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो आपसे पूछेंगे किसका सबसे ज्यादा परसेंटेज शेयर इन 2010 था, तो आपके पास टोटल यहाँ की भी होनी चाहिए और टोटल वहां की भी होनी चाहिए। क्वेश्चन में अगर आपको बहुत बार ऐसा दिया रहता है, बहुत बार जो डेटा दिया रहता है वो आपको पाई चार्ट्स में दिया रहता है, तो अगर आप पाई चार्ट्स में कोई डेटा को देखोगे और सिस्टमेटिक देखोगे तो पाई चार्ट्स में डेटा नॉर्मली या तो परसेंटेज में दिया रहता है या डिग्री में दिया रहता है। अगर वो सेंट्रल एंगल डिग्री समान का दिया हुआ है तो आपको जैसे एग्जांपल ये 40 डिग्री दिया हुआ है या ये 80 डिग्री दिया हुआ है या लेट्स से ये 120 डिग्री व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, तो यहाँ पे टोटल दी रहती साइड, टोटल टोटल नॉर्मली एक बहुत ध्यान रखना, इधर टोटल आपको दी हुई है मान लो 1080 lakhs, तो 90% ऑफ द टाइम अगर ये डिग्री में दिया, अगर क्या में दिया हुआ है डिग्री में, तो ये जो भी टोटल है ये कहीं ना कहीं 18 से /36 से/ बहुत बार 6 से कटेगी, कटेगी क्यों कटेगी, उसको पहले ही काट के रख लो। क्यों? जैसे अगर मेरे को इसका प्रोडक्शन निकालना है तो ये होगा क्या 80 अपॉन में कितना 360, जैसे अगर ये ए है, ये बी चीज है, ये सी है, ये डी है और ये क्या है ई, तो अगर आपको ए का प्रोडक्शन निकालना है 80 अपॉन में 360 इंटू कितना 1080 कैंसिल वनजा, ये कितना 3 जा, 80 × 3 इज वॉट 240। अगर आपको बी का प्रोडक्शन निकालना है, अगर मैं बात करूं तो बी कितना हो जाएगा आपके पास 120 अपॉन में 360 इंटू कितना 1080, 0 से 0 क्या होगा कैंसिल वनजा और ये कितना 3 जा, ये कितना 360। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर कहीं ना कहीं ये चीज किसी ना किसी चीज से कट रही है और पर्टिकुलर 36 से तो कटेगी, 36 या 18, तो ये अगर डिग्री में दिया हो, ठीक है ना। अच्छा, कोई चीज कभी कभी ऐसी कुछ गिवन हो जो बहुत बड़ा नंबर गिवन हो, जैसे 2, 3, 5, 2, 0, तो ये पता नहीं किसी ना किसी प्राइम नंबर का फैक्टर होगा, एक बार उसको किसी से काट लिया तो बाकी पूरा क्वेश्चन क्या चल जाएगा, इजी चला जाए। डाटा थोड़ा सा मैन्युपुलेट करके ये दिया रहता है बहुत बड़ा क्वेश्चन में, आपको दो पाई चार्ट, ये 2010 का पाई चार्ट दे देंगे, ये 2020 का पाई चार्ट दे देंगे और यहाँ पे बोल देंगे कंपनी के सेक्टर्स थे ए बी सी डी ई कंपनीज थी। सर यहाँ पे भी आपको पास क्या थी, ए बी सी डी और ई कंपनीज, ए बी सी डी ई और यहाँ पे भी कितना ए बी सी डी ई कंपनीज थी आपके। अब बताऊं क्या होगा, यहाँ पे आपको अलग डिग्री दिख रखी है और यहाँ का टोटल दे देंगे आपको, लेट से अगर बात करूं तो 2,50,000 या 2,56,00 ले लो व्हाटएवर और यहाँ पे दे देंगे 3,82,000,
ना। अब उनके जो मेन क्वेश्चन बनेंगे वो बोलेंगे एक ही कंपनी में परसेंटेज राइज कितना है। अब ए का यहाँ पे 40% गिवन है और यहाँ पे कितना गिवन है, समझो यहाँ पे इसका गिवन है 45%। तो आपको क्या लगेगा 5% राइज आया, 5% गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो 40% राइज है वो किसका है 256 का और यहाँ पे जो 45% राइज है वो किसका है 382 का। तो सर ऐसे केस में भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्राई करके अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा हो, क्वेश्चन देखता को समझ में आ जाए, तो आप हर चीज को काय में कन्वर्ट कर लो टेबल में। मैंने पहले भी बोल कर रखा है कि आप ए बी सी डी ई यहाँ पे 2010 की उनका सब निकाल कर, जैसे 40 है अगर ये 30 है ये 70 है, यहाँ पे निकाल लो 40 अपॉन में कितना 360 इंटू कितना 256, सही है। बी का क्या निकाल लो 30 अपॉन में कितना 360 इंटू कितना 256, फिर यहाँ पे कितना जाएगा 70 अपॉन में कितना 360 इंटू कितना 256, फिर जो भी हो यहाँ पे जितना भी हो तो ये आपका 2010 का डाटा आ जाएगा। और फिर अगर यही 2020 का डाटा आएगा तो वो भी ऐसे ही आएगा, बट देखना यहाँ पे 45 ऑफ का निकलेगा, 45 ऑफ निकलेगा 382, 45 ऑफ कितना निकलेगा 382, समझ में आया क्या है। तो सर अगर 45 ऑफ 382,000 निकलेगा तो अब इसका एब्सोल्यूट फिगर और इसका एब्सोल्यूट फिगर जो दोनों माइनस करेंगे जो भी आएगा व्हाटएवर उसका परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज चेंज। वो कैसे निकलेगा समझो, एग्जांपल 40 अपॉन 60 अभी कुछ आया समझो, मान लो 1.5 लाख, मान लो 1.5 लाख और समझो इसको सॉल्व किया तो मान लो आया 1,80,000 या व्हाटएवर, तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180 माइनस 150 अपॉन में बेस कितना है इंटू कितना 100 और ये कभी भी नॉर्मली 5% नहीं रहेगा, कुछ अलग ही फिगर में। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट डीआई की ट्रिक, कन्वर्ट डेटा इनटू व्हाट टेबल, किसी भी फॉर्म में डेटा दिया हो उसको आप टेबल में लो और डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट करते हुए आना चाहिए। बहुत बार अगर मैं बात करूं आपको तो आपको ऐसा डाटा गिवन होगा कि यहाँ पे दिए होंगे रूरल लोग, यहाँ पे दिए होंगे अर्बन, उस रूरल अर्बन के अंदर भी आपको दिया रहेगा यहाँ पे मेल, फिर दिया रहेगा फीमेल, फिर रूरल अर्बन मेल फीमेल के बाद उसमें दिया रहेंगे एजुकेटेड अनएजुकेटेड, यहाँ पे भी एजुकेटेड अनएजुकेटेड, यहाँ पे अर्बन में फिर क्या आ जाएगा मेल फीमेल, फिर क्या दिया रहेगा एजुकेटेड अनएजुकेटेड कौन मेल, फिर वैसे क्या दिया रहेगा फीमेल का एजुकेटेड और फिर यहाँ पे क्या दिया रहेगा अनएजुकेटेड, ठीक है। अब डाटा बहुत सारा हो गया, अब वो डाटा और यहाँ पे आपको दे देंगे 2010, 2015, 2020, 2025। अब समझो ऐसे में कोई डाटा अगर आपको भर दिया 30, 40, 50, 70, 40, 60, 20, 50, व्हाटएवर, एक टोटल तो यहाँ पे आएगी कि 2010 में टोटल कितने पड़ते हैं, ठीक है सर। उस टोटल से क्या निकलना चाहता है देखो, उनका क्वेश्चन कैसा होगा तो वो भी समझ लें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी टोटल आ कितनी रही है 70, 140, 190, 230, 250, 360 आ रही है, चेक कर लेना आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल मेल अनएजुकेटेड इन 2010। अब बच्चों को समझ में आना चाहिए, ये टोटल कभी नॉर्मली दिख नहीं रखते क्योंकि तो पहले बात तो रूरल, रूरल का मेल, मेल का अनएजुकेटेड वो कितना है 40, तो 40 अपॉन में कितना 40 अपॉन में कितना 360 अपॉन में कितना 40 अपॉन में 360 इंटू कितना 100, तो शायद 1 ये 9 और 1/9 आपको पता है क्या होता है 11.11। अभी अपन ने परसेंटेज की ट्रिक लिखी थी तो 1/9 का मतलब ही क्या होता है आपके पास 11.11, ठीक है। कभी ये पूछ लेंगे कि एग्जांपल तुमने यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा है 50, 60, 40, 70, 50, 80, 20, 40,
2025 का भी अगर अपन लिख लें, चलो छोड़ो इसको, अब आपसे क्वेश्चन इस टोटल पे भी आ सकता है। क्वेश्चन का माहौल देखिएगा, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन फीमेल हाउ मैनी ऑफ देम, ये हाउ मैनी परसेंट है, व्हाट परसेंट, हाउ मैनी भी नहीं पूछेंगे, व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ वुमेन वर अर्बन अनएजुकेटेड इन 2050। अब देखो इन्होंने आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन फीमेल्स, ये वर्ड का मतलब क्या, उनको सारी फीमेल्स का टोटल, इसका मतलब उनको फीमेल कहाँ कहाँ पे थी सर, यहाँ पे थी ये फीमेल से सारी, तो यहाँ की फीमेल टोटल कितना हो गया शायद 150, यहाँ कितना हो गया शायद 210, यहाँ कितना हो गया 120, यहाँ का कितना हो गया 170, तो टोटल फीमेल की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 210 प्लस 120 प्लस कितना 175, ये टोटल फीमेल होगी, क्या हो गया प्लस फीमेल। अब सर इसमें उनको क्या चाहिए, इसमें उनको जो 2015 में अनएजुकेटेड अर्बन में रही, तो सर 2015 में अनएजुकेटेड अर्बन क्या रहा, बात अनएजुकेटेड अर्बन फीमेल, सर ये रही फीमेल, फीमेल का अनएजुकेटेड और ये अर्बन, ये रहा अर्बन फीमेल का अनएजुकेटेड 40। सर क्या ऐसा डीआई होता है, मैंने बोला डीआई ऑलवेज कॉल्स फॉर अप्रोक्सीमेशन, मतलब बच्चे कभी कभी पूछते हैं परसेंटेज निकाले तो कितनी डेसिमल प्लेस तक, तो मैं तो बोलता हूँ एक डेसिमल, अगर तेरा 29.1 आ गया है तो आ गया मच, या तेरे को लग रहा है 29.1 से बहुत 119 आने वाला है जिसे इसको 29.2 ही लिख, बहुत बार जहां तक तू सीमेट एग्जाम दे रहा है तो तेरा 29 ही आ गया ना तो ही बहुत, क्यों, चार ऑप्शन होंगे, वो चार ऑप्शन में नॉर्मली 29 के आसपास एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना, और पॉइंट वाला डॉपलर थोड़ा कम आएगा, ऐसा ऑप्शन नॉर्मली नहीं आएगा 29.2 और अगला 29.8, ऐसे ऑप्शन नहीं है, और आएंगे जब कभी ऐसे गलती से आते हैं तो उसको ले लो, चेक कर लो पूरा पूरा करके, तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन को ध्यान रखना, जितना अप्रोक्स करते जाओ, जैसे इसी डेटा में अगर मैं बात करूँ एडिशन का अप्रोक्स कैसे होता है, जैसे एग्जाम्पल आपको कभी कभी कुछ डेटा दिया रहता है तो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि डीआई में एडिशन का अप्रोक्स कैसे होगा और क्या होगा, तो आपको डेटा दिया हुआ है 39, 42, 58, 61, 88, 72, और इवन ऐसा भी नहीं दिया हो तो आपको ठीक है और भी दिया हुआ है 69, 84। अब सीधी बात है, इसको अगर आप ऐसे ऐसे ऐड करने जाओगे तो पागल, मैं इसको 39 से 40 फटफट दिमाग में रख लूंगा, इसको 2 हटाऊंगा, इसको 2 लगाऊंगा ही नहीं, इसको 40 लिखूंगा, इसको फटाफट 60 लिख दूंगा, इसको फटाफट 60 लिख दूंगा, पता है कि यहाँ पे बढ़ाया है और यहाँ पे क्या कर दिया, वापस देखो 82 को लिख दूंगा 90, 72 को लिख दूंगा 70, 69 को लिख दूंगा 70, 84 को इच्छा हुई तो 85 भी तो 80 लिख दूंगा। अब इसको ऐड करना क्या हो जाएगा, ईजी सर, क्या आप सबकॉन्शियसली इतनी फास्ट फास्ट करते हो, मैंने बोला हाँ सर, इससे अगर कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक आती आएगी, 2 या 3 की आएगी, लेकिन वो 2 या 3 की जो आएगी वो अप्रोक्स आंसर में रखे, तेरे पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो उन 4 ऑप्शन के आसपास लेके आ जाएगी, तो मतलब अगर आप देखोगे तो 40 प्लस 40 कितना 80, देन 120 कितना 200, 290 कितना 290 प्लस 360 430, हाँ और 430 प्लस 85 इस शायद 515 शायद, ये ना 515, ठीक है ना। अभी सर मैं तो इतना और हूँ, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई और कैलकुलेशन निकालनी है और अगर आपको लगता है फिलहाल ये भी अप्रोक्सीमेशन करना हो कि 515 नहीं कट रहा तो इसको 500 मान लें क्या, तो ये बड़ा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, बट कभी कभी ऐसा भी कर जाता है, इसको 500 मान के ऊपर दिखे रखा है 33
आपको पता 33 अपॉन 515 नहीं कर पाएंगे अपन, तो आप अपॉन में 500 लिख के इनटू 100 कर। अब आपको इससे एक बात समझ में आ जाएगी कितना, देखो इससे जो भी अपना आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर कितना आ गया अपन 6. कितना आ गया 6.6। आपने डिनोमिनेटर क्या करा था, बड़ा करा था छोटा करा था? जब भी आप डिनोमिनेटर छोटा अप्रोक्स कर रहे तो इसका मतलब आंसर क्या है, मतलब 6.6 से आंसर कम होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता, ऑफिशियल डिनोमिनेटर क्या होता, बड़ा होता, तो आंसर क्या आता, छोटा। आपने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया, इसका मतलब आंसर इससे भी क्या रहेगा, छोटा। अगर आपने न्यूमरेटर को छोटा कर दिया, एग्जांपल किसी ने बोला था न्यूमरेटर में था 708 और अपॉन में था 1033, मैंने बोला हटा इसको, ऊपर कर दे 700, नीचे कर दे 1000, अप्रोक्स कितना गया 70%, जो 70 के आसपास का नंबर है उसको तो देख ले, ठीक है? तो दिस इज समथिंग फ्रॉम माय साइड, भी और क्वेश्चन दे रहा हूं इसके, तो ट्राई कीजिएगा। दीस ऑल आर द डीआई ट्रिक्स जो अप्लाई करनी चाहिए क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, डीआई के क्वेश्चन को भापने के दो तरीके, एक जो आपको फिगर्स दिए मैं उन फिगर्स को देखते से ही समझ जाओ कि क्वेश्चन किस लेवल का जाने वाला है। मतलब अगर आपको डेटा दो पाई चार्ट दिए हुए हैं और अलग अलग कंपनीज देके रखी हैं या कुछ लाइन डायग्राम्स देके रखे हैं, तो कुछ लाइन डायग्राम्स से ये ए लाइन जा रही है, फिर इसी में आपको बोल के रखा है ये ऐसी बी लाइन जा रही है कंपनी ए और बी का, तो पहला बात तो डेटा की टोटल्स की तरफ नजर आनी चाहिए कि हर किसी की टोटल दिए की, उस टोटल को साइड में लिख लो, ठीक है ना। दूसरी बात, डेटा पर्टेनिंग टू व्हाट, समझे ये पाई चार्ट है कंपनीज का कि किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर, ठीक है, और ये है कंपनी के रेवेन्यू का, तो आपको समझना पड़ेगा पहले तो इससे आप मार्केट शेयर निकालोगे, फिर मार्केट शेयर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, रेवेन्यू से, तब जाके आपको कोई परसेंटेज मिलेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये बात है कि आपको फिगर्स पहले देखना पड़ेगा, डेटा को रीड ढंग से करना, रीड इसके ढंग से करना क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कितने थाउजेंड्स में दी है, बहुत बार कितने लैक्स में दी है, बहुत बार जो दो ग्राफ दिए हैं दोनों ग्राफ का आपस में इंटरलेशन क्या है, बहुत बार एक लाइन दिख रखेगी ये होगा आपका सेल्स फिगर्स, ये होंगे बहुत बार कॉस्ट फिगर्स, तो आपको समझ में आना चाहिए सेल्स माइनस कॉस्ट करते करते क्या है प्रॉफिट। कुछ कुछ बच्चे तो इतने अच्छे चाणे होते हैं कि वो यहीं से डिप्स देख लेते हैं कि सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस कब आया यहाँ पे, तो ये अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कॉस्ट क्या होगी बहुत ज्यादा, सेल्स क्या थी बहुत नीचे, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या रहा होगा लॉस, तो कोई पूछा हो कि इस साल में कितना लॉस हुआ या मैक्सिमम लॉस किस साल में हुआ, तो बच्चे फिगर देख के बताते हैं कि यहाँ पे लॉस हुआ। देन कोई गलत बात नहीं है कि एक बार डेटा को देखा आपने पहले, एटलीस्ट अगर मैं बोलूँ तो 60 to 120 seconds अगर बहुत फास्ट तरीके से आप डेटा का कोई भी टेबल फॉर्मेट बना दो, मतलब फिगर्स मत डालो, लेकिन अगर उस डेटा को आप टेबल का फॉर्म बना दो कि मैं इस डेटा को ऐसे 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 करके लिखूंगा, यहाँ पे ए बी लिखूंगा फिर उनका टोटल लिखूंगा फिर ए बी लिखूंगा फिर उनका टोटल लिखूंगा, व्हाटएवर यू, तो वो बना लो। और उसके बाद डी आई के पांचों क्वेश्चन, जो आपको पांच क्वेश्चन आते हैं पढ़ डी आई, उनको बहुत ढंग से पढ़ लो, क्योंकि देखना क्वेश्चन कभी कभी एवरेज का, व्हाट इज द एवरेज ग्रोथ, अब तो वो समझ में आ जाएगा अगर एवरेज निकालना है, मतलब यू वांट टू मेक द टोटल आल्सो एंड डिवाइड बाय 5 आल्सो, एवरेज कैसा वाला, समझ ले एक एवरेज होता है 2010 की सेल से, 2011 की सेल से, 2012 की सेल से, 2013 की सेल से, और यहाँ पे कंपनी देकर रखी ए बी सी डी ई, ठीक है ना, तो 2010 11 12 13 सब की सेल्स देके रखी, वो यहां से भी एवरेज निकाल सकते हैं कि ए का एवरेज क्या है, वो यही बोल सकते हैं 2010 में एवरेज सेल कितनी हुई, उस केस में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और वहां भी क्या निकालने पड़ेगा। बहुत बार क्वेश्चन रेशियो पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ कंपनी ए इन 2010 टू सेल्स ऑफ कंपनी सी इन 2015, तो बहुत बार क्या पूछ लेता है रेशियो। सर बहुत बार वो अगर मैं बात करूं तो आपसे परसेंटेज चेंज या परसेंटेज ग्रोथ पूछता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को पढ़ के अगर आप चार्ट को बनाओगे और उसमें कितना गहरा जाना है, मालूम पड़ा कुछ कुछ बच्चे ने बोला सर आपको पूरा टेबल बनाना, हमने पूरा टेबल मस्त बना दिया और क्वेश्चन देखे तो इतने लल्लू थे कि टेबल के बिना ही आंसर आ रहा था, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वंस यू, अपना दिमाग है ना जो आपका मेंटल है, मेंटल स्टेटस को करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले उसको एब्जॉर्ब करो फिर क्वेश्चंस पढ़ो, और हो सकता है अगर पहले 2 या 3 मिनट में आप क्वेश्चन को घूर के ही
आंसर प्रिडिक्ट कर पा रहे हो घूर के, मतलब कि ये इसका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि इसका डायग्राम ऐसा बना, क्योंकि इसका पाई चार्ट ऐसा बना, तो आप वहीं से प्रिडिक्शन शुरू कर दो, साइड में लिख दो इसका आंसर ये हो सकता है, देख फिर आप टेबल और कैलकुलेशन की तैयारी। अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उसको आप देखना शुरू करो।